हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के सारा काम हो चुका था मेरा। सारा काम होने के बाद फिर नहाना धोना भी हो गया था। और नहाने के बाद मैं क्या करती हूँ, मैं जो है कंघी बाथरूम में ही करके निकलती हूँ, क्योंकि बाहर करती हूँ तो पूरे फर्श पे, पूरी टाइल पे बाल ही बाल हो जाते हैं, फिर खाने वगैरह में आते हैं तो अच्छा सा नहीं लगता। तो मैं अंदर ही कंघी करके तब आती हूँ बाथरूम में ही। बस मेरा तो हमेशा से यही है कि मैं बाथरूम में ही कंघी करके निकलती हूँ बाहर। कंघी कर ली थी, अब वाइपर लगा देती हूँ, अच्छे से धो देती हूँ बाथरूम को पानी से। और वाइपर लगाना पड़ता है आजकल, तो ये ऐसे काम होने लगा है कि वाइपर लगाए बिना सूखता ही नहीं है पूरा पूरा दिन बाथरूम। जब तक वाइपर और पोछा वगैरह अच्छे से नहीं लगाते तो गीला गीला रहता है, फिर बाथरूम वगैरह में जाते हैं तो फिर पूरे बाहर भी चिपचिप हो जाती है। तो बस वाइपर वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई थी बाहर। तो अब कर लेती हूँ हल्का सा थोड़ा बहुत मेकअप। सबसे पहले तो कोल्ड क्रीम ही लगाती हूँ मैं आजकल, सर्दियों में तो कोल्ड क्रीम ही, तो फ्रूट वाली कोल्ड क्रीम लगा रही हूँ मैं, फ्रूट वाली ही लगाती हूँ ज़्यादातर। बहुत अच्छी है, मतलब काफ़ी अच्छी वो रहती है, ड्राई स्किन नहीं होती है बिल्कुल भी हाथ पैरों पे मुंह पे। तो यही लगाती हूँ मैं फ्रूट वाली, बहुत अच्छी है ये। ज़्यादा वगैरह कुछ मेकअप तो घर पे रह के करते नहीं हैं, बस बाहर निकलते थे स्कूल वगैरह में तो कुछ कर लेते थे, घर पे तो हल्का सा बस यही मॉइस्चराइजर और फिर हल्की सी काजल, आई लाइन बोल रही हूँ, काजल, लिप ग्लोज। लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ मैं, लिप ग्लोज ही लगाती हूँ ज़्यादातर घर पे। तो और ये मेरे पास, मैं आजकल कौन सी क्रीम कर रही हूँ, ये शायद रूपमंत्रा है, रूपमंत्रा ही कर रही हूँ आजकल मैं ज़्यादातर। जी मेरे पास रखी हुई थी काफ़ी दिनों की, तो बस कोल्ड क्रीम लगाने के बाद इसको लगा रही हूँ मैं ऊपर से। इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं रूपमंत्रा के भी। मेरे मुंह पे हल्की हल्की सी झाइयाँ तो हैं लेकिन वो जाती नहीं है, वो प्रेगनेंसी के बाद है ना, वो हो गई थी मुझे, लेकिन अब मैं कुछ भी लगा लूँ लेकिन वो ख़त्म ही नहीं होती है। हल्की हल्की सी, बिल्कुल लाइट लाइट सी, ज़्यादा तो नहीं है। वैसे क्लीन है मेरा फेस, पहले काफ़ी क्लीन था लेकिन प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा सा हो गया है। बस थोड़ी सी हाथों पे भी लगा लेती हूँ क्योंकि हाथ भी काफ़ी ड्राई ड्राई से हो जाते हैं सर्दियों में तो। और उसके बाद लिप ग्लोज लगा लेती हूँ, लिप ग्लोज ही लगाती हूँ, लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाती हूँ मैं बिल्कुल भी। काजल, लिप ग्लोज और बस सिंदूर और कोल्ड क्रीम और वो रूपमंत्रा, यही हल्का सा मेकअप होता है। उसके बाद मेरी आदत है, सर्दियों में मेरे पैरों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, ज़्यादातर पैरों को ही लगती है, तो नहाने के बाद मैं फटाफट से सॉक्स डाल लेती हूँ क्योंकि मेरे ज़्यादातर देर तक अगर पैर ऐसे रह जाते हैं तो फिर ठंड बहुत लगती है पैरों को, पैरों को और सिर को बहुत ठंड लगती है मुझे सर्दियों में। तो मैं साथ के साथ है ना सॉक्स डाल लेती हूँ, बस स्वेटर भी, अब थोड़ी देर बाद धूप में बैठने के बाद स्वेटर भी डाल लूँगी क्योंकि सर्दियों में तो पूरा पैक होके रहना पड़ता है तभी काम चलता है। और उसके बाद चलिए भगवान जी को भी याद कर लेते हैं थोड़ा।
तो नहाने धोने के बाद अगरबत्ती कर लेती हूँ। वेलकम है आप सभी का। वेलकम तो काफ़ी देर पहले हो गया था, मॉर्निंग का टाइम है और लाइट लग रही थी सामने बिल्कुल आँखों में। मॉर्निंग का टाइम है, नहाना धोना काम वाम सारा हो गया है मेरा और भगवान जी को भी थोड़ा सा याद कर लिया। अभी बता रही थी तुलसी माता में पानी दे दिया है, क्योंकि शिवलिंग रखा हुआ है मैंने ना घर पे छोटा वाला, तो डेली नहा धो के शिवलिंग को जल चढ़ाना पड़ता है। तो थोड़ा सा बैठ लेती हूँ, दो मिनट आप लोगों से बात करती हूँ। तो प्लीज़ जो भी न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। बस अभी चाय पीऊँगी सबसे पहले, तो आइए काफ़ी दिन हो गए हैं, आप लोग भी मेरे साथ चाय पीजिए। चाय बनाते हैं अच्छे वाली, अदरक उदरक डाल के कड़क वसी। किस किस को पसंद है सर्दियों में चाय? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में चाय, सर्दियों में ही पीने का मज़ा है चाय, तो गर्मियों में तो इतनी अच्छी नहीं होती। और एसिडिटी वगैरह भी बनाती है। बेटा स्कूल गया हुआ है, हस्बैंड ऑफिस गए हुए हैं, तो चलिए चलते हैं किचन में, बनाते हैं अच्छी सी कड़क सी चाय। लाइट ऑन कर लेती हूँ, काफ़ी अंधेरा है बाहर। वो वाला गेट इसलिए बंद किया क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है ना, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है और हवा भी बहुत अच्छी वाली चल रही है। आज वैसे धूप है लेकिन हवा भी। तो चाय पीने से पहले तो मैं पानी ज़रूर पीती हूँ, गर्म पानी। तो चाय पीने से पहले गर्म पानी कर लेती हूँ अपने लिए एक गिलास, और उसके बाद चाय रख दी थी मैंने, अदरक डाल रही हूँ उसमें। तो मैं कद्दूकस करके ही डालती हूँ, ज़्यादातर कूट के नहीं डालती, कश करके ही डालती हूँ। छोटे वाला कद्दूकस है तो इसे ही कस कर लेती हूँ। और ये देखिए कितनी अच्छी चाय बन रही है। और गुड़ की चाय बनाऊँगी मैं। गुड़ की चाय किस किस को अच्छी लगती है? मुझे तो सर्दियों में गुड़ की चाय बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही यम्मी लगती है और नुकसान भी नहीं करती। और साथ ही साथ पानी भी पी रही थी, ये गिलास पूरा बड़े वाला गिलास है, ज़्यादातर यही पीती हूँ मैं, दिन में एक दो बार पीती हूँ बस। एक तो सुबह मॉर्निंग में पीती हूँ और अब चाय पीने के बाद दो तीन बार पीती हूँ बस। तो गुड़ को मैं तोड़ तोड़ के डाल रही हूँ क्योंकि ऐसे तो पिघलेगा नहीं ये, तो तोड़ तोड़ के डाल रही थी छोटे छोटे टुकड़े कर करके। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
भी है एकदम कड़ाके वाली गुड़ की चाय। किस किस को अच्छी लगती है? मुझे बहुत अच्छी लगती है गुड़ की चाय। छान लेते हैं इसको, अभी बन गई है, लाइट ऑफ कर देते हैं। चलिए बैठती हूँ दो मिनट। उस टाइम बोल रही थी कि चलो बात करती हूँ, उस टाइम बात नहीं हुई। चाय पीजिए, गुड़ की चाय बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लगती है मुझे तो। आजकल व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं वीडियोज़ पे, पता नहीं क्या कमी रह जाती है वीडियोज़ में, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, हार नहीं मानेंगे, कभी ना कभी तो कामयाबी हमें भी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते हैं वीडियो बनाने में। मतलब हर मतलब वो सोचते हैं कि आज भी अच्छे व्यूज आएंगे, आज भी हमारी वीडियो वायरल होगी, लेकिन पता नहीं जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैं तो बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचती हूँ, क्योंकि और ना ही मैं वीडियो बनानी बंद करूँगी, क्योंकि यूट्यूब मेरा पैसन लगा लो, कुछ भी लगा लो, मेरी मतलब इसको बना के मुझे खुशी मिलती है। यूट्यूब पे आके मुझे बहुत खुशी मिली है। मतलब मेरा सपना था मैं अच्छी यूट्यूबर बनूँ, बहुत मतलब मैं अपनी लाइफ आप सब के साथ शेयर करूँ। तो देखते हैं, कामयाबी कम मिलती है लेकिन मिलेगी ज़रूर, इतना ज़रूर विश्वास है मुझे अपने भोलेनाथ पे, क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ और शिव के भक्त कभी निराश नहीं होते हैं, और ना ही वो भोले बाबा हैं जो वो कभी अपने भक्तों को निराश करते हैं। इतना विश्वास है मुझे अपने बाबा पे कि कामयाबी हमें एक दिन ज़रूर मिलेगी। देखते हैं कब मिलती है, इंतज़ार, हम मेहनत करते रहेंगे और इंतज़ार करते रहेंगे। तो चलिए, एकदम यमी चाय बनी है सच में, गुड़ की चाय पीना पीते भी होंगे। तो चलिए, वीडियो आज ही बस यही थी, और अभी थोड़ी देर, आज क्या है, आज वेडनेसडे है, आज कोई वीडियो अपलोड नहीं की है मैंने अभी तक। अभी एडिट करूँगी सबसे पहले उसको, और फिर अपलोड करूँगी, और फिर आप लोगों के साथ आप लोगों के पास आएगी। कल वाली है वो शायद, मंडे ट्यूसडे वाली, एक दिन छोड़ के एक दिन जा रही है, ऐसे ही डेली की डेली नहीं जा पाती हैं। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय शिव शंभू, जय शिव शंकर, हर हर महादेव।